दुनिया बड़ी सुंदर है प्यारे भारत तो तीर्थों का देश है तीर्थ ही तीर्थ है यहां पर सुंदर हैं, जाना भी चाहिए पर यह याद रखे तीर्थ जाना मतलब शरीर को कष्ट देना है तो तपस्या करनी हो तो जाओ अभी तो वो भी कहां तपस्या बद्रीनाथ सीधे कार पहुँचती है गंगोत्री सीधे कार पहुंचती है कई जगह तो हेलीकॉप्टर तो जाता है अभी तो कोई तपस्या नहीं है हाँ एंटरटेनमेंट तो इसलिए टिकट कटाओ अब शिमला क्या घूमने जाना है गंगोत्री जाओ केदार जाओ देहरादून से उड़ो और पहुंच जाओ पौने घंटे में वहां पर और वहां पकौड़े खाओ और चाय पियो मतलब जो दिल्ली में सामान मिलते है ना वो सब सामान वहां है रहने को जगह नहीं तो वहां भीड़ भाड़ धक्का मुक्की धक्का मुक्की वाह हमने हमने जैसा बद्रीनाथ देखा है और जैसा बद्रीनाथ आज है बहुत फर्क हम केदार जाना है तो नीचे से चलो और पैदल या बुजुर्ग लोग घोड़े पे चलते थे तो पैदल चलो चढ़ाई है आप शिव शिव करते हुए चढ़ रहे हो सुंदर जंगल है पहाड़ है इतनी सुंदर प्रकृति इतने सुंदर पर्वत है वहाँ पर आ, कहीं सूर्योदय से पूर्व जो छटा आ जाती है ना सुनहरी सफेद बर्फ के ऊपर देखने वाला दृश्य होता है अब आप चल रहे हो चल रहे हो थोड़ा सांस लिए फिर चल लिए फिर चल लिए गौरी कुंडा है रात कई बार वहाँ रुको फिर चलो तो लगभग पंद्रह किलोमीटर का ये रास्ता आप चल और जब वहाँ पहुँचते हो फाइनली तो वो इतनी अच्छी भावना मन में बन चुकी होती है और लाइट नहीं थी के बिजली नहीं थी जनरेटर से थोड़ी देर के लिए सुबह जैसे स्नान करना है तो लाइट और आधे एक घंटे वो भी एक दो ही धर्मशाला थे जहां जनरेटर था वो भी नहीं थे तो आप मोमबत्ती के साथ काम करते हो और एकदम चुप और सुबह के एक बार वहां पर थे गौमुख और गंगोत्री के बीच में बर्फ का तूफान हो गया हम लोग फंस गए तो वहीं रुकना पड़ा हमें हाफ वे में तो वहाँ एक आ, सरकारी विश्राम ग्रह था तो हरी गया आया वापस कहता वहाँ न दो ही कमरे थे मैंने ना दो ले लिए दो भरे हुए थे आप बस सीधे चलो कमरे में बाकी लोग तो चलो हम टेंट में गुजारा कर लेंगे मैं चलो कोई नहीं वो हुआ ये पहाड़ में कभी भी ना पक्के मकान में नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो ईटे ठंडे हो जाते पत्थर ठंडे हो जाते तो वो बिल्कुल कोल्ड स्टोरेज बन जाता है इतनी ठंड कि सो तो सकते नहीं तो उठ के मैं बाहर आ गई बाहर आए तो सामने से पर्वत श्रृंखला है बर्फ पड़ी है काली रात एक बादल नहीं चंद्रमा चौदस का होगा इतना सुंदर चंद्रमा और ठीक उन बर्फ की पहाड़ियों के ऊपर माने जैसे शंकरी बैठे हैं अपने सिर पर चंद्रमा सजाए हुए और एक शब्द नहीं है क्योंकि कोई वृक्ष तो है नहीं वहां पर पत्ता है नहीं वहां पर हवा चल नहीं रही सब ठहरा हुआ है इट वाज सो ब्यूटीफुल इट्स ऑल स्नो पीक द माउंटेन्स हुर शाइनिंग विद द मून लाइट दिस फुल मून दिस नो क्लाउड इन द स्काई and no sound on the ground so standing there you know that magnificent mind-boggling beauty amazing but if you go now mm -hmm, you won't find it because the snow is gone The glaciers are receding very fast and people are going, so many hundreds and thousands of people are going. they are converting in, into a. what should i say? putting so much of waste over there. plastic bottle, biscuit wrapper, chips wrapper. i really wonder whether you go there for pilgrimage or you just go for a picnic where you are eating and eating and eating and eating so much and throwing away. All that um, bottles and what not—that's not how a pilgrimage should be done. But sure, Himalayas are quiet, serene. But say, if your mind is not quiet, then being in Himalaya will become a punishment. Hon, chahiye. Himalaya jo hai, wo तीर्थ बहुत अच्छे है बहुत सुंदर है पर इंसान जहां जाता है ना तुम देखो वही गंद अच्छा जो भैंस है गाय है बकरी है भेड़ है ये जितने जानवर जो गोबर करते हैं वो मिट्टी में खाद बन जाता है तो उनकी की गई गंदगी गंदगी नहीं है वो प्रकृति को और ज़्यादा नर्चर कर देती है पर आदमी जहां जाता है वो इतना प्लास्टिक कागज़ का कूड़ा करता है वो तो ज़मीन में मिलेगा नहीं बायोडिग्रेडेबल नहीं है वो वहीं पड़ा रह जाता प्लास्टिक की बोतल अगर आज आपने जमीन में फेंकी तो दस हजार साल बाद भी वो प्लास्टिक की बोतल एज इट इज वहीं पड़ी रहेगी मेरा आग्रह है किसी भी चीज में जहां भी पैकिंग प्लास्टिक की हो रही हो वो चीज इस्तेमाल मत किया करो मैं कहीं जाऊं कहीं जाऊं अपनी पानी की बोतल जो है स्टील की बोतल या तंबे की बोतल वो अपने साथ लेके जाती हो कांच टूट फूट जाता है स्टील का क्या बिगड़ना है चाहे फेंक दो ऊपर से नीचे फेंक मत देना धरती को सुंदर रखो धरती को गंदा मत करो